हेलो स्टूडेंट, अगले पार्ट में हम लोगों ने देखा था हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स इन आरबीसी। इसमें देखें हम लोग पढ़ेंगे हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर इन डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या और थ्रम्बोसाइट्स। इनमें हम इनके आधार पे कौन कौन से हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेस। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो इम्यून सिस्टम्स का पार्ट होती हैं, जो हमारी बॉडी को एक प्रकार से फाइट और इन्फेक्शन डिजीज कुछ जो डिजीज होती हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती हैं। टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर ग्रेनुलोसाइट, जैसे न्यूट्रोफिल्स हुआ, इसनोफिल्स एंड बेजोफिल्स, और मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट आर एंड जिनको हम कैटेगराइज करते हैं टी सेल या बी सेल्स में। तो डिफरेंट प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इन सभी का सेप साइज अलग अलग होता है और इनका नंबर ऑफ परसेंटेज या नंबर टोटल नंबर जो होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग होते हैं, और इनका काउंट कब बढ़ता है, घटता या बढ़ता रहता है। वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकेमिया, द WBC और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट स्टेट द नंबर ऑफ WBC इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ होल ब्लड। द नॉर्मल वैल्यूम ऑफ WBC आर फॉलोड। तो नॉर्मल जो WBC की वैल्यू क्या होती है, एडल्ट में 4000 से 10000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, चिल्ड्रंस में 6000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, इन्फांट में 8000 से 13000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और न्यूबॉर्न में 10000 से 20000 पर क्यूबिक मिलीमीटर्स। सिग्निफिकेंस कब ये इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, तो एंड इंक्रीज द WBC काउंट काज ल्यूकोसाइटोसिस ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के केसेस में अगर बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होए, वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उस केसेस में जो WBC हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और डिक्रीज कब होती है, ए डिक्रीज इन द काउंट ऑफ WBC लीड टू ल्यूकोपीनिया ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो वायरल इन्फेक्शंस के केसेस में जो है WBC का काउंट डिक्रीज हो जाता है, जैसे मलेरिया हुआ, मलेरिया के केसेस में क्या होता है, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है DLC काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट इसको बोला जाता है। द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट WBC काउंट गिव द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्फोलॉजी, ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स एंड बेजोफिल्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करता है या फिर मार्फोलॉजी करता है, ग्रेनुलोसाइट या ए ग्रेनुलोसाइट WBC का। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी आती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो इन सबका एक नॉर्मल वैल्यू होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, 60 से 70%, और या एब्सोल्यूट काउंट की बात करें तो 2500 से 7000 क्यूबिक पर मिलीमीटर्स। इसनोफिल्स 1 से 4% पाई जाती हैं, वहीं इनका एब्सोल्यूट काउंट क्या होता है, 40 से 400 क्यूबिक पर मिलीमीटर्स। बेजोफिल्स 0 से 1%, इनका एब्सोल्यूट काउंट होता है 0 से 100 क्यूबिक पर मिलीमीटर्स। वहीं मोनोसाइट 4 से 8%, जिनका एब्सोल्यूट काउंट होता है 150 से 800 क्यूबिक पर मिलीमीटर्स। और लिम्फोसाइट 20 से 30% पाई जाती हैं, जिनका जो है एब्सोल्यूट काउंट होता है 1000 से 3000
क्यूबिक पर मिलीमीटर्स। सिग्निफिकेंस में अगर इंक्रीज हो जाए, जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया मींस इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स काउंट्स, न्यूट्रोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। और ये कब इंक्रीज होता है? इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। दिस रिस्पॉन्स मे बी अकर इन वायरल इन्फेक्शन, जैसे चिकन पॉक्स, हर्ट जोस्टर, स्मॉल पॉक्स, और इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, व्हूपिंग कफ्स और अदर डिजीज हैं, जिन कंडीशन में जो इनका नंबर है न्यूट्रोफिल्स का इंक्रीज हो जाता है। और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कंडीशन में भी इनका जो लेवल है इंक्रीज हो जाता, चाहे वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गट हो, या एक्यूट रेमेटिक फीवर्स, इन केसेस में जो है न्यूट्रोफिल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड होता है न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स काउंट। अगर न्यूट्रोफिल्स का लेवल डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है न्यूट्रोपीनिया। ये कब आकर होता है? इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, काला आजार या मिलिनरी ट्यूबर कुलोसिस, इन कंडीशंस में न्यूट्रोपीनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होता है उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। और अल्सर, माउथ में अल्सर है तो उन कंडीशन में भी न्यूट्रोपीनिया होता है। अगला है बेसोफीलिया। बेसोफीलिया का मतलब होता है इंक्रीज इन बेसोफिल्स काउंट। बेसोफिल्स का लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, बेसोफिल्स की संख्या इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन को बेसोफीलिया कहा जाता है। ये कब होता है? इन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन लाइक मम्स, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस, इन केसेस में बेसोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अगला है क्रोनिक इन्फेक्शन इंक्रीज, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या सिफेलिस, इन कुछ डिजीज़ हैं जिन केसेस में भी बेसोफिल्स का लेवल इंक्रीज होता है। अगला है हीमोपोइटिक डिसऑर्डर लाइक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इन केसेस में भी बेसोफिल्स का लेवल इंक्रीज होता है। और कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट आल्सो इंक्रीज द काउंट ऑफ बेसोफिल्स। इसिनोफिलिया का मतलब होता है इंक्रीज द लेवल ऑफ इसिनोफिल्स, या इसिनोफिल्स का जो काउंट है, नंबर है, वो इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को इसिनोफिलिया कहा जाता है। तो ये कब इंक्रीज होता है? एलर्जिक डिसऑर्डर जैसे अस्थमा हुआ, या फीवर हुआ, हाई ग्रेड फीवर हो गया, या फूड एलर्जी, इन केसेस में जो इसिनोफिलिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और क्रोनिक स्किन डिजीज, जॉइंटिस, लेप्सरी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे रिंग वार्म हुआ, हुक वार्म हुआ, इन कुछ डिजीज हैं जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन से होती, इन केसेस में भी इसिनोफिल्स के लेवल जो हैं उनका जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगला है इसिनोपीनिया। इसिनोपीनिया का मतलब होता है डिक्रीज द काउंट ऑफ इसिनोफिल्स। अगर इसिनोफिल्स का जो काउंट कम हो जाए, उनकी संख्या कम हो जाए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है इसिनोपीनिया। तो ये कब होता है? सब एक्यूट इन्फेक्शन या स्ट्रेस की सिचुएशन में इसिनोपीनिया होता है। या कशिंग डिजीज़, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, अगर एड्रेनल ग्लैंड ज़्यादा फंक्शनिंग, हाइपर फंक्शनिंग कर रही, तो उस कंडीशन को कहा जाता है कशिंग डिजीज़। अगला है मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज काउंट ऑफ मोनोसाइट, मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है मोनोसाइटोसिस। ये कंडीशन कब होती है? ये कुछ डिजीज कंडीशन जैसे हो, बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या सब एक्यूट इंडोकार्डियाटिस हो गया, या मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, टाइफाइड फीवर, काला आजार, या अदर डिजीज हैं जिन कंडीशन में मोनोसाइटोसिस होता है। अगला है लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की संख्या बढ़े तो उस कंडीशन को कहा जाता है लिम्फोसाइटोसिस। ये कब होता है? एक्यूट वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्स, चिकन पॉक्स, वायरल हेपेटाइटिस, इन कंडीशंस में लिम्फोसाइट का जो लेवल है, उनकी जो संख्या है, वो इंक्रीज हो जाती है। अगला है क्रोनिक इन्फेक्शन में भी जो है लिम्फोसाइट का संख्या इंक्रीज हो जाती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस,
पर्ट्यूसिस, सिफाइलिस या लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ये कुछ डिजीज़ हैं, इन कंडीशन में लिम्फोसाइट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये इसीलिए इनको एज अ जो है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स यूज़ किया जाता है। अगला है लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया कब होता है? लिम्फोपीनिया मीन्स डिक्रीज द नंबर ऑफ या काउंट ऑफ लिम्फोसाइट। ये एड्स हुआ या इम्यूनोडिफिशियंसी स्टेट या रेनल फेलियर, किडनी के फेल होने पर भी जो लिम्फोसाइट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। अगले में हम इस स्लाइड में हम बात करेंगे थ्रम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को भी एज अ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स देखा जाता है। थ्रम्बोसाइट आर अ फ्रैक्शन फॉर्मेड एलिमेंट ऑफ ब्लड एंड आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर वास्कुलर इंजरी। द नॉर्मल रेंज ऑफ थ्रम्बोसाइट इज 150,000 से 300,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो जो थ्रम्बोसाइट होती हैं उनका सबसे मेन काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का। अगर बॉडी में कोई सीवियर इंजरी हो गई है हमारी, कहीं पे चोट लग गई, कट गया है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग के समय पे जो ये थ्रम्बोसाइटोसिस हैं ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। तो थ्रम्बोसाइट का एक जो है नॉर्मल लेवल होता है बॉडी में, अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाए तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो जैसे नॉर्मल लेवल कितनी होती है, 150,000 से लेके 300,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। तो थ्रम्बोसाइटोपीनिया मीन्स अगर थ्रम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है थ्रम्बोसाइटोपीनिया। और एक और अदर नाम है इसका थ्रम्बोसाइटोसिस। थ्रम्बोसाइटोसिस कब होगा? अगर प्लेटलेट का नंबर इंक्रीज हो जाए, उनकी संख्या इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है थ्रम्बोसाइटोसिस। ये कब होता है? इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो या ब्लड डिसऑर्डर हो, तो इस कंडीशन में थ्रम्बोसाइटोसिस होता है। अगला है ब्लीडिंग टाइम। ये भी प्लेटलेट का ही एक प्रकार से पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स है। ब्लीडिंग टाइम इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हेमेटोस्टेटिक इफिकेसी ऑफ ब्लड। इट इज डिटरमाइन एज द टाइम रिक्वायर्ड टू काज द हेमरेज फ्रॉम पंक्चर वाउंड। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम रेंज फ्रॉम 1 से 3 मिनट। तो नॉर्मल जो ब्लीडिंग टाइम, अगर कहीं पे इंजरी हुई है और ज़्यादा समय तक वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, तो एक प्रकार से पैथोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मली 1 से 3 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इज़ रिलेटेड विद प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर। ये रिलेटेड होता है जो है ब्लीडिंग टाइम को रिलेट करता है प्लेटलेट के फंक्शन पे। अगर किसी भी प्रकार का प्लेटलेट के डिसफंक्शन है तो ब्लीडिंग टाइम डिसबैलेंस हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी। और लॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीकोगुलेंट ऑफ एस्पिरिन। अगला है क्लॉटिंग टाइम। ब्लड क्लॉट कितने टाइम में हो रहा है, ये भी एक प्रकार से जो है प्लेटलेट के नंबर को या उसकी संख्या को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। क्लॉटिंग टाइम इज अ वेट्रो टेस्टिंग ऑफ द हेमोस्टेटिक इफिकेसी ऑफ ब्लड। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लॉट द ब्लड आउटसाइड द बॉडी। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्लॉटिंग टाइम रेंज फ्रॉम 4 से 10 मिनट। तो नॉर्मल जो क्लॉटिंग टाइम होता है 4 से 10 मिनट। ये परफॉर्म किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, मीन्स लेबोरेटरी में ब्लड लेके उसकी क्लॉटिंग टाइम को देखा जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, इंक्रीज द क्लॉटिंग टाइम इंडिकेट द हीमोफीलिया। अगर ब्लड देर में क्लॉट हो रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कब होता है? जब हमारे शरीर में फैक्टर 13 की अगर डिफिशियंसी हो तो उस कंडीशन में हीमोफीलिया होता है। फैक्टर 13 की डिफिशियंसी में हीमोफीलिया होता है। और प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी
एंटी कोगुलेंट, अगर हमारे बॉडी में कोई हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन उसमें कोई एंटी कोगुलेंट है तब भी जो है क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।